बाराबंकी में आज एक गुमशुदा दलित शख्स का शव मिलने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बवाल इस कदर पड़ा कि ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया और थाने पर भी पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने ग्रामीणों पर जमकर लाठी भांजी और उनको खदेड़ा। सूत्रों के मुताबिक पथराव करने वाले में कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जिसके चलते मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। और मौके पर फैजाबाद के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह और दरियाबाद के बीजेपी विधायक सतीश शर्मा ने पहुंचकर सभी पुलिस वालों को हटाने का दबाव बनाने लगे, जिससे बाराबंकी के एसपी ने बैकफुट पर आके पुलिस वालों पर कार्रवाई की। रामसनी घाट क्षेत्र में सर एक दलित युवक की हत्या का मामला था, पहले गुमशुदगी दर्ज हुई थी उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, क्या कुछ उसमें प्रकरण में हुआ और अब क्या उसमें कार्रवाई करी गई है? उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसको लेकर जनता के लोगों में रोष था और ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने सम्यक कार्रवाई नहीं की थी और साथ में इसमें लेकर शाम को लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतें उत्पन्न हुई थी, जिसमें थाने में लोगों ने घेराव करने का प्रयास किया था, पथराव भी करने के बाद आए, उसको लेकर के पुलिस में जनता में पुलिस के अविश्वास की बात थी और उसमें उन्होंने एक FIR भी 12 तारीख को दिया था, वो FIR भी दर्ज नहीं किया गया था। उसमें ड्राइवर के बारे में, एक दूसरे ड्राइवर के बारे में उन लोगों ने कहा था कि उसको शक है कि उस ड्राइवर ने हत्या करा दी है, का नाम राजेंद्र है, एसटीएम साहब का ड्राइवर, हाँ एसटीएम साहब का ड्राइवर है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसके बारे में उसके कागजेस नहीं लिया, ये उनका आरोप था। और अविश्वास की बात को देखते हुए इंस्पेक्टर रामसनी घाट को और कांस्टेबल जावेद को, जिसके विरुद्ध आक्रोश था, उनको पुलिस लाइन ट्रांसफर किया गया है और सीओ साहब को, सीओ रामसनी घाट को कार्यालय से संबद्ध किया गया है। प्रदर्शनकारियों में कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे जिनको जिनके ऊपर लाठी भाजी गई, ऐसा उन कार्यकर्ताओं का कहना है। ये जाँच के लिए एडिशनल SP साउथ को जाँच के लिए विस्तृत आदेश दे दिए गए थे और ये भी बिंदु बताया गया कि पुलिस की कार्रवाई में कहाँ कहाँ लैप्स है वो भी बताएंगे, और चूंकि इनके विरुद्ध जांच हो रही है तो इनका यहाँ रह जाना उचित नहीं था, इसके लिए उनको हटा दिया। मौके पर सांसद लल्लू सिंह और विधायक भी आए थे, क्या उनके दबाव में उसके बाद उस तरीके की कार्रवाई नहीं, निष्पक्षता को देखते हुए सारी कार्रवाई की गई।